नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश होने वाली है, कहां पर आंधी तूफान आने वाला है और कहां पर जो है मौसम विभाग ने भारी सर्दी पड़ने को लेकर भारी चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि देश में ज्यादातर हिस्सों में मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दरअसल पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के कारण जो है कई राज्यों में ठंड अधिक हो चुकी है। सर्द हवाओं के कारण ही राजधानी दिल्ली समेत NCR के लोगों को कड़ाके की ठंड भी महसूस होती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं एक तरफ ठंड का असर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी भी कर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक बार फिर से जो है तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है और कहा है कि अगले 6 दिनों तक तमिलनाडु, पांडुचेरी और करैकल में बेमौसम बारिश हो सकती है। ऐसे में यहाँ के नागरिकों को सतर्क करने के लिए भी मौसम विभाग ने कह दिया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दिया जाए कि तेज उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण आज से लेकर अगले 3 से 4 दिनों तक जो है तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बारिश होने की संभावनाएं भी जताई गई है। ऐसे में फिर से आशंका जताई जा रही है कि यह बेमौसम बारिश जो है अपना कहर बरपा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के किन अन्य राज्यों में मौसम संबंधी गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है, यानी कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन राज्यों में बारिश होगी, कहां पर आंधी तूफान आएगा और कहां पर जो ही एक बार फिर से भारी सर्दी पड़ने को लेकर भारी चेतावनी जारी कर दी गई है। एक एक करके देश के सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गांव का नाम, आप जहां कहीं पर भी रहते हैं हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए राजस्थान के मौसम की। तो मौसम विभाग ने बताया है कि पूरा उत्तर भारत हार्ड कंपकंपाने वाली सर्दी के जहद में है। वहीं राजस्थान में भी सर्दी के तेवर तीखे बन रहे हैं। तो सुबह जो है 6 से ज्यादा जिले घने कोहरे के आगोश में लिपटे रहे। बीते रात पारे में 2 डिग्री तक गिरावट होने और गलन और ठिठुरन से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने और कई घने इलाकों में घना कोहरा छाने और कुछ भागों में बारिश होने की भी चेतावनी जारी कर रखी है। वहीं राजस्थान के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शेखावाटी में सर्वाधिक सर्दी का जोर रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में सीकर जिला 5.8 डिग्री तापमान के साथ बीती रात सबसे सर्द रहा। जिले के फतेहपुर पर बीती रात का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं राजस्थान की राजधानी समेत कई जिलों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में बीती रात पारा 10.8 डिग्री रहा। वहीं अलवर में 5.8, चूरू में 6.4, भीलवाड़ा में 6.4, पिलानी में 6.7, सिरोही में 7.4, संगरिया में 8.3, डबोक में 8.6, श्रीगंगानगर में 8.7, अंतावारा में 9 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 9.2 डिग्री, जैसलमेर के 9.2 डिग्री और कोटा में बीती रात 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं बाड़मेर में बीती रात पारा 12.4 डिग्री रहा, जबकि डूंगरपुर जिला 13.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। वहीं जोधपुर में जो है 12.4, फलोदी में 11.6 और धौलपुर में बीती रात पारा 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। राजस्थान में सुबह 6 से ज्यादा जिले घने कोहरे के आगोश में लिपटे रहे हैं। झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा समेत कई जिलों में घने कोहरे के चलते जनजीवन भी प्रभावित रहा। वहीं हाईवे पर घने कोहरे के कारण वाहनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक राजस्थान में नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। इसके चलते उत्तर पूर्व और पश्चिम के कुछ जिलों में घना कोहरा छाने, बारिश और शीतलहर चलने पर सर्दी के तेवर और अधिक तीखे होने की भी चेतावनी मौसम विभाग केंद्र के द्वारा दे दी गई है। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कभी आपके क्षेत्र का मौसम जो है कैसा है, यानी कि आंधी तूफान वाला है, बारिश वाला है या नहीं है, कमेंट करके सही सही से जरूर बताइएगा। इसी के साथ बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के मौसम की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम पल पल में बदल रहा है। कल जहां पर अधिकतम तापमान में जो है बढ़ोतरी देखी गई तो वहीं न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से
से दी गई जानकारी के मुताबिक कल के दिन भर प्रदेश के जो है अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धूप निकलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है स्थिर रहा है, यानी कि न्यूनतम तापमान लगातार 11 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ मौसम विभाग केंद्र ने बताया है कि आज जो है प्रदेश भर में बर्फीली हवाएं चलेगी, जिसका असर नजर भी आ सकता है। हालांकि दोपहर बाद हल्की धूप से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाने को लेकर भी पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि बरेली, शाजापुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत इटावा में न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 20 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने को लेकर पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगर दोस्तों आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अभी आपके क्षेत्र का जो है मौसम कैसा है, यानी कि आंधी तूफान वाला है, बारिश वाला है या नहीं है, कमेंट करके सही सही से जरूर बताइएगा। इसी के साथ बात करें बिहार के मौसम की, तो बिहार में इन दिनों तापमान में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वहीं बीते 3 दिनों के दौरान बिहार का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री पर पहुंच गया था, लेकिन वहीं मात्र 3 दिनों में ही यह तापमान वापस 10.4 डिग्री तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर में तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं इस महीने में लोग ठंड से परेशान हुआ करते थे, वहीं इस महीने में अब जो है तापमान भी बढ़ रहा है। हालांकि अभी 5 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। पटना स्थित मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने को लेकर भी पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है। इस वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। अगर दोस्तों आप भी बिहार से हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अभी आपके बिहार का मौसम जो है कैसा है। वहीं बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के मौसम की, तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में जो है कल सर्द मौसम का लुत्फ लेते हुए सर्वाधिक शीतल जल बना ग्वालियर है। वहीं यहां पर अत्यंत जो है कम टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा ठंड का अनुभव करवाया है। इसके अतिरिक्त राजगढ़ में 7.6, नौगांव में 8, खजुराहो में 8.4, जबलपुर में 8.9 और भोपाल में 12.6 और इंदौर में 12.4 सेल्सियस अल्प पारा रिकॉर्ड किया गया है। इससे समस्त जिलों में सर्दी की ठंडी लपट महसूस हो रही है। इसी के साथ भिंड, ग्वालियर, मुरैना, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़ और दमोह जिलों में कोहरा और मेघों का जमावड़ा देखा गया है, जिससे बादलों में एक मनोरम दृश्य भी बना हुआ है। यह लोकल रहवासियों को मौसम की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और लोगों से सावधान रहने की भी विनती की जा रही है, विशेषकर जो अत्यधिक शीतल इलाकों में रहते हैं। इससे आगामी दिनों में मौसम में और भी बड़ा परिवर्तन होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि काफी दिनों से प्रदेश के कई जिलों में घना सामान्य कोहरा डेरा डाले हुए हैं। वहीं भिंड, ग्वालियर, मुरैना, निवाड़ी और छतरपुर में काली चादर बिछी हुई देखने को मिलने के आसार हैं, जबकि दतिया, श्योपुरकला, शिवपुरी और गुना सहित विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़ में जो है मामूली या फिर सामान्य कोहरा बना हुआ है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों का मौसम का हाल। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आप किस क्षेत्र से हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।